हेलो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? काइंड ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिया जाए और बोला जाए इसका नेचर ऑफ बॉन्ड बताएं, तो क्या है उसका नेचर ऑफ बॉन्ड, काइंड ऑफ बॉन्ड जो कि उसमें प्रेजेंट है। अब इसको बॉन्ड ऑर्डर से कंफ्यूज मत करना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर। बॉन्ड क्या होती है? वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि एटम को एक साथ रोक के रखी हुई होती है। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स के बारे में मेरे वीडियोस हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब किस लिए हम नेचर ऑफ बॉन्ड पता करते हैं? टू नो द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हमें बॉन्ड का नेचर पता पड़ गया तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता चल जाएंगी उस सब्सटेंस की, किस तरीके से स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। बॉन्ड जैसी है तो बॉन्ड का एंगल देख लेंगे हम, लेंथ देख लेंगे, उस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या ले लें, अगर हमने बेंजीन ले लिया तो बेंजीन में बॉन्ड्स जिस तरीके की उस हिसाब से हमने पता किया कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। रिएक्शंस, वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है ये हम पता कर सकते हैं। बॉन्ड जैसे टूटेगी उस तरीके से रिएक्शन होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बॉन्ड के टूटने पर ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बॉन्ड्स का, एटम्स का दूर दूर हो जाना। अब एटम्स का दूर दूर हो जाना क्यों होगा? क्योंकि उनके आसपास में जो अगर दो तीन एटम रखे हुए हैं, ठीक है, अब आप उसको स्टडी कर रहे हो एटम्स को, अब वो क्या होंगे, वो जैसे जैसे दूर दूर होंगे वैसे वैसे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट पता कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट है कि कौन सी स्टेट है, ठीक है, वो भी उसी तरीके से पता चलेगा जैसे बॉन्ड बनेगी वो पास में आएंगे। अब जैसे वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, वो क्या करती हैं, एटम्स को पास में रखती है, ठीक है। तो उस हिसाब से लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क हो जाता है, ठीक। अब कैसे पता करेंगे हम? बाय नोइंग द केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला जान के हम पता कर सकते हैं कि बॉन्ड किस तरीके की होंगी, या हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके पता कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पता करती है कौन सा एटम कहाँ है। अब एटम अगर 3D स्पेस में हमको पता चल जाए कि एटम कहाँ है, किस तरीके से है, तो हम उसकी बॉन्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। बाय वेरियस रिएक्शन टेकिंग प्लेस, अलग अलग तरह के रिएक्शन जो हो रहे हैं उस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, तो उसकी बॉन्ड्स किस तरीके से थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें नेचर ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि हम केमिस्ट्री को समझ सकें। थैंक यू।